सो हे व्हाट्सअप गाइस। सो गाइस, मैं उन पहाड़ियों का भ्रमण करने के बाद पहुंच चुका हूं उस स्थान पर जहां पर ग्लास ब्रिज और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। सो ये तीसरी पहाड़ी पर स्थित है और जिस सड़क पे मैं हूं इसी सड़क पे ये सफारी भी है और इसके जस्ट आगे सीधे जाने पर आपको शांति स्तूप भी देखने को मिलेगा और उसी के जस्ट बगल में दूसरी पहाड़ी पर रोप वे भी आपको देखने को मिलेगा। सो फिलहाल इस समय हम सब पहुँच चुके हैं वन्य जीव अभ्यारण्य के पास। एक ही में ग्लास ब्रिज और वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों एक ही में है और इसका टिकट भी है। हालांकि यहाँ के लक्षण मुझे कुछ ठीक ना देखने को लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ है। सो देखते हैं कि आगे होता क्या है। आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अब आगे का क्या होगा पता नहीं। सो गाइस, इससे बुरा क्या ही हो सकता है। जब तक हम यहाँ पर पहुँचे हैं ये सूखा चेहरा देख सकते हैं क्योंकि हुआ ही बहुत बुरा है। गेट बंद है। जब मैंने इस बात को पता लगाया तो पता चला कि ऑलरेडी यहाँ का टिकट ऑनलाइन ही बुक हो चुका है पूरा। सो यानी कि अब आपको जाने की इजाज़त नहीं है इसके अंदर। तो ये बहुत दुखद था मेरे लिए, इतनी दूर से आने के बाद मैं यहाँ पर भ्रमण ना कर पाया। ये भी है कि अब रुक भी ना सकते क्योंकि दूसरे दिन भी ये पूरी तरीके से क्लोज रहेगा। सो ये बड़ी दुख की बात है। अगर आप यहाँ आते हैं तो पहले ही ऑनलाइन आप टिकट बुक करके आए। मेरा तो कंफर्म ही नहीं था कि मैं आऊँगा ही क्योंकि मैं स्टेशन पे बैठा था और राजगीर के लिए ट्रेन निकली तो मैं भी बैठ गया उसी ट्रेन में। सो आप आएँ तो पूरी व्यवस्था और विचार बना के आएँ ताकि ऑलरेडी टिकट बुक करके आएँ क्योंकि यहाँ पर टिकट नहीं मिलता है। ऑफलाइन ऑनलाइन ही पूरा बुक हो जाता है इसलिए आपको ऑफलाइन टिकट नहीं मिल पाएगा। सो आपको वन्य जीव सफारी भी इसी के अंदर देखने को मिलेगी और ग्लास ब्रिज भी इसी के अंदर है। ऐसे कई पार्क भी बने हुए हैं इसी के अंदर में और जहाँ बुद्ध संगति हुई थी और महात्मा बुद्ध का मूर्ति भी इसी के अंदर है। सो बहुत सारी